अच्छा वंडरफुल मोटिवेट, मतलब यानी आप ये कह रहे हैं कि जितनी मर्तबा आप नाकाम होते चले जा रहे थे मजीद आप पॉजिटिव होते चले जा रहे थे। अच्छा कुछ लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि जिस किसी ने हल किया है या वो शायद यही सोचना इधर उधर देख रहे सन कि देखने पहले कौन करता है, सो विल मूव टुवर्ड्स देम मींस व्हाट कि अपने ऊपर रिलाय करना। माय क्वेश्चन टू यू इज, अब प्लीज डोंट माइंड, ये इसी आप लोगों के सवालों से ही बात आगे बढ़ानी है मैंने। अगर कोई भी कोई मसला हल नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब फिर हमारे मसले मसले ही रहेंगे। व्हाई? बिकॉज हमने खुद से तो अपनी एफर्ट सस्पेंड कर दी है ना। वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अदर्स टू कम एंड सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम्स, और खुद हमने अपनी एफर्ट सस्पेंड कर दी है कि कोई इसका हल तलाश करे और हम उसको फॉलो कर लें। तो ये एक पैसिव एटीट्यूड है जो कि मेरे अंदर भी आता है और लोगों में भी आता है, शायद किसी इनके अंदर इस एक्टिविटी के बारे में ना आया हो, किसी और एक्टिविटी के बारे में आ जाए, राइट? तो ये एक ह्यूमन फैक्टर है। कुछ लोगों ने तो मुझे आकर ये पूछा कि सर इसका कोई हल भी है, मींस टू से दे वर काइंड ऑफ डाउटिंग ऑन मी, ऐसा था ना जी? कोई बात नहीं इसमें, दे वर, मैं भी शायद अगर किसी नई सिचुएशन में हूं तो मेरे जहन में भी ये बात आ सकती है। They were kind of doubting on me कि that is just a jugglery trick which actually has no solution to it. ठीक है, इसका मतलब ये disbelief develop होना शुरू हो गया, एक disbelief develop होना शुरू हो गया, ना सिर्फ अपने ऊपर बल्कि सिस्टम के ऊपर, मेरे ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद है आपको जिसमें प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेज के मोमिन जो है वो एक गार से बार बार नहीं डसा जाता। मैंने क्यों इंसिस्ट कर रहा था कि आप लोगों ने एक मर्तबा जो एक एक्शन ट्राई किया है, और मैंने दो ऑब्जर्वर्स जो है वो मुनकर नकीर की तरह आपके पास छोड़े हुए थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व करना था दैट दे डू नॉट ट्राई द सेम लाइक लिंक और सॉल्यूशन अगेन टू द सेम प्रॉब्लम, नई से नई चीज आपने। आइंस्टाइन सेज, सुनिएगा, आइंस्टाइन सेज The only difference between me and other people is मुझ में और बाकी लोगों में सिर्फ इतना फर्क है। आप कह रही थी कि एक और फुहाड़े च पाता हम है। आइंस्टाइन says the only difference between me and other people is that I stay longer with the problems and that is the trick। अगर आप अपनी जिंदगी के मसाइल को वाकई में सुलझाने में संजीदा हैं तो उन मसाइल से जान न छुड़ाएं, वो आपकी जिंदगी में आए हैं किसी मकसद के लिए। दे हैव कम टू टीच यू समथिंग, दे हैव कम टू मैच्योर यू। आपने वो बटरफ्लाई वाली एग्जांपल सुनी हुई है रेशम के, हाँ, वो जो अपने ककून के अंदर बंद होती है जब वो एक मॉथ सा होता है और कि वो मॉथ जो है वो अपने ककून के अंदर कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से बाहर निकले, और एक बंदा बैठ के उसे देख रहा था ककून को, उसको बड़ा तर्स आया, हाय हाय बेचारी जड़ी कितनी एफर्ट कर रही है, कितनी इसकी एनर्जी लग रही है। उसने क्या किया, तर्स खा के उसका ककून जो है उसको फाड़ दिया कि ये आसानी से बाहर आए, और वो श्रेवल्ड टूटे फूटे परों वाली एक अजीब सी शक्ल की चीज जो है वो बाहर गिर पड़ी, एंड इट कुड नेवर फ्लाई, इट कुड नेवर फ्लाई। अभी वो इसकी तरफ देख ही रहा था कि जिसके ऊपर मैंने तरस खाया कि ये मुसीबत में है, परेशानी में मुबतला है, तो किसी दूसरे ककून के अंदर एक और मॉथ जो है वो भी उसी तरह से स्ट्रगल कर रहा था, कोशिश कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। नाउ ही ट्राइड अनदर थिंग, ही लेट इट डू। बहुत देर के बाद वो ककून खुद फटा, ठीक है, और वो जो एफर्ट थी जो कि वो ककून में से बाहर निकलने के लिए कर रही थी, दैट वॉज गॉड्स वे of enabling the butterfly to get its muscles developed. तो जब उसने खुद से उस ककून को फोड़ा, फाड़ा, उसमें से बाहर निकली, तो it just flew away. तो ये जो मुश्किलात जो हैं हमारी जिंदगी में जो आती हैं, जो troubles, challenges, परेशानियां हमारी जिंदगी में आती हैं, if you wish to tackle them and that wish to tackle them stays strong and you continue with it and you keep trying newer solutions to help solve them, resolve them, they are a way to make you stronger, maturer, और आपकी current conditions जो होती हैं, situations जो होती हैं, realities जो होती हैं, वो बदल जाती हैं। You become a new you,
आप वो नहीं रहते, आप एक नए यू बन चुके होते हैं विद बेटर एक्सपीरियंसेस, विद बेटर सेंस ऑफ जजमेंट, अ फेलो इक्विप्ड विद बेटर सॉल्यूशंस, अ फेलो इक्विप्ड विद बेटर सेंस ऑफ एनकरेजमेंट। चला जाता हूं हंसता खेलता, चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस में, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। मेरे दोस्त जड़े ने उस सुकने पै गए। सो आपने किस तरह से यह हल किया था? कुछ लोग नहीं हल कर पाए थे, आपने किस तरह से यह हल किया? प्लीज इनको दिखा दीजिए। जी हाँ, तो आपकी गिरा खुल रही है। अच्छा ठीक है, आप देख रहे हैं जी, देख लुक एट द इंटरेस्ट नाउ जी। You just have to get off the escalator. अब मैं यहां पे खड़ा हूं and I'm all good about it, like I'm happy. Imagine there comes a question कि जिसके आंसर की मैंने प्रेपरेशन ना की हो, so that will be a pebble, a stone, जिससे मेरे अंदर का दरिया जो है उसके अंदर मौजें जो है वो इस तरह आप उसमें पैदा हो जाएगा, ठीक है, उसमें इस तरह पैदा होगा, मुझे अपने कंफर्ट जोन से वो उछाल देगा, मुझे आई वुड हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, सम एक्स्ट्रा थिंकिंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दैट। इज दैट अ बैड थिंग और अ गुड थिंग? दैट इज अ गुड थिंग, राइट? दैट इज अ गुड थिंग। हाँ, इट मेक्स मी स्ट्रांग, इट मेक्स मी मैच्योरर। और इमेजिन एक दूसरा सिनेरियो कि जिसमें एक ऐसी ऑडियंस बैठी हो, क्या कहते हैं, सुमन बुकमन ओमियन है? आप क्या कह रहे हैं? नहीं, सांप सूंघना तो वो फ्रेज, देखें आप ट्रेनर्स हैं तो कुग्गू घोड़े, वाह वाह वाह, बहुत क्या खूबसूरत ट्रांसलेशन है, कुग्गू घोड़े। तो आपके ख्याल में जो सेशन करने का मुझे इस वक्त मजा आ रहा है वो उस सूरत में आएगा? नहीं। वाई? बिकॉज दैट सिचुएशन विल नॉट कीप मी ऑन माई टोज, कि मैं रेडी रहूं किसी भी वक्त, कोई भी चैलेंज, कोई भी चीज डेवलप हो सकती है जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा थिंकिंग करनी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाट मेक्स मी व्हाट आई एम। अगर आप लोग अपने आप को बहुत प्रोफेशनल, बहुत कॉम्पिटेंट समझते हैं तो दैट इज व्हाट मेक्स यू कंपेटिटिव, राइट? व्हाई? बिकॉज आप खुद अपनी कंफर्ट जोन को चैलेंज करते रहते हैं। अच्छा, इसे देखकर क्या समझ आती है? अ प्रॉब्लम इज समथिंग दैट इज अ मिस्ट्री टू यू, समथिंग दैट इज अ मिस्ट्री टू यू। क्या कोई ऐसी चीज, आज जो हमने अभी एक्टिविटी की है, इट वॉज अ मिस्ट्री टू यू, समथिंग दैट वॉज नॉवल टू यू, एक नई चीज जिसको एनकाउंटर किया आपने, लेकिन डिड इट टीच अस समथिंग? मैंने अभी तक जितने सवाल पूछे हैं ना, उन सब सवालों के जवाब जो थे वो उस एक्टिविटी के अंदर मौजूद थे जब इन दो दोस्तों ने यहां पे आके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया। आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे नोट्स, बहुत सारी ऐसी गिरें लगी होती हैं, ठीक है? सो समथिंग दैट इज अ मिस्ट्री टू यू, मिस्ट्री क्या होती है? पुरेसरार, इसका तर्जुमा ये होता है कि ये चीज पुरेसरार होती है, इसमें कोई इसरार, इसार तो नहीं है यहां पे बैठा हुआ कोई है, इसमें कोई इसरार, राज ऐसा जो कि दूसरे लोगों पर आया नहीं होता, वो चीज मौजूद होती है। प्रॉब्लम इज समथिंग लाइक ट्राइंग टू फाइंड योर वे इन टू अ डार्क रूम। इसे और आसान करते हैं हम, ठीक है ना? किसी नए शहर में अपनी मंजिल तक पहुंचने की, आजकल वो गूगल ने भी आसानी कर दी, काफी उबर वालों ने बहुत आसानी कर दी आपको, ठीक है? तो आप जरा देखें गौर से कि बहुत सारी, इतनी ज्यादा एड्स आपको अवेलेबल हो गई हैं कि अब ये भी एक प्रॉब्लम हो गया हमारे लिए, कि कोई चीज हमें प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। द लेस चैलेंजेस वी हैव द मोर कॉम्प्रोमाइज्ड वी विल बी एज ह्यूमन बींग्स। यानी आप जिस चीज पर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप बड़े आसानी के साथ वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई चैलेंज आपको पेश नहीं है, सुकून, ठंड माहौल है जिस तरह अभी है, ठीक है? और मैंने वो ठंड माहौल चेंज किया था एस्केलेटर से, मैं नीचे आपको मैंने उतारा, वो प्रॉब्लम थी। बहुत सारे लोग जो है जब वो इस कमरे से बाहर जाने जा रहे थे, अगर
हर बंदा ये सोच रहा होता है कि कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी होने वाली तो मैं भी कराऊंगा, हमें गूज बम्स आ रहे होते हैं ना, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। सो इट कैन बी अ पजल, जो मैंने एक्टिविटी करवाई वो पजल भी उसको आप कह सकते हैं, एन अनसेटल्ड मैटर, किसी के साथ कोई मामलात आपके चल रहे हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात हुए होंगे, ठीक है, कोई पैसों का लेन देन होगा, रिश्ते का पड्डा पड़ जाता है, ठीक है ना, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हो जाती है। देन अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ सॉल्यूशन, एनी सिचुएशन दैट इज अनसेटल्ड एंड दैट रिक्वायर्स अ सॉल्यूशन, ठीक है जी, एंड देन एन इशू इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी, किसी साथी ने यहां पे बात की भी थी अनसर्टेनिटी, राइट। नाउ सी व्हाट डिफाइनिंग प्रॉब्लम एंड डिसीजन मेकिंग, नाउ अल्बर्ट आइंस्टाइन सेज कि अगर इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए मुझे एक घंटा दिया, दुनिया जो है वो डेवस्टेटिंग एज के ऊपर पहुंची हुई है, तबाह हो जाएगी, गारंटीड है कि दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन मुझे उसको बचाने के लिए सिर्फ एक घंटा दिया जाए तो मैं 55 मिनट ये सोचने पर लगाऊंगा कि इश्यू क्या है, इमेजिन इश्यू क्या है, और हम जो करते हैं हम इससे बिल्कुल उलट करते हैं, उसी कहना चालू नहीं देख लेने ऐसे इंसान बगैर सोचे, आई डोंट नो एरिस्टोटल या सोक्रेटीज के पास कोई उसका कोई ट्रिपल फिल्टर टेस्ट है उसका, उसके पास कोई शख्स आया उसे आके कहता है आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट योर फ्रेंड, उसे कहते यू वॉन्ट टू टेल मी समथिंग अबाउट माई फ्रेंड, होल्ड ऑन टेल मी फर्स्ट वॉट यू वॉन्ट टू टेल मी अबाउट माई फ्रेंड, वेदर दैट इज बेनिफिशियल फॉर मी, तो आगे से कहता है कि नहीं, और इसी तरह से दो और क्वेश्चंस उसने उसे पूछे, जब दो क्वेश्चंस के यानी इसका मुझे फायदा है क्या ये बात सच्ची है तुम्हें इस बात का पता है, वो कहता है नहीं मेरे ख्याल आई कांट गारंटी दैट, तो फिर आगे से वो कहते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू टेल मी दैट देन, आई डोंट वांट टू लिसन टू, हमारे बेशतर प्रॉब्लम्स इसी वजह से हैं दैट वी कीप आवरसेल्व्स ओपन टू एवरीबॉडी एंड कम एंड से थिंग्स इन आवर इयर्स विच डोंट बिलोंग टू अस, इररिलेवेंट, पॉन्डरेंस तो है ही नहीं हमारे अंदर, प्रूडेंस है ही नहीं हमारे अंदर, यू कम एंड से एनीथिंग टू मी एंड आई एम रेडी टू लिसन टू यू, ठीक है, और बल्कि वो सुनने तो बाद कहते होर सुना आगे से ये बात भी हो रही थी, होर भी सुना और किया सांप आ जाए और किया और बह जा यार छट जा, राइट। सो कहते हैं आखिरी 5 मिनट के अंदर मैं उस प्रॉब्लम का हल निकालूंगा, पहले मुझे ये पता चले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, वेयर डज द इविल जनरेट फ्रॉम, मसला जो है वो डेवलप कहां से हो रहा है, मुझे वो वहां तक पहुंचना है पहले, जब मैं वहां पर पहुंचूंगा हाउ इजी वॉज द सोल्यूशन टू दिस थिंग, बट यू कुड ओनली रीच इट वेंस यू हैव ट्राइड इट मेनी टाइम्स, एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग द सेम एक्टिविटी, कीप ऑन डूइंग द सेम ट्रायल अगेन, एक ही सोल्यूशन ट्राई करते रहेंगे तो रिजल्ट भाई वो ही आना है, और किसी एक जगह के ऊपर आपके जेहन में यह भी बात हो कंट खोलांगा तो मेरी गल बननी, सो इट टेक्स एंड ड्रेन्स यू, हमें यह भी मसला बीच में पेश आ रहा होता है कि यह प्रॉब्लम तो मेरी है ही नहीं, और दिस इज जस्ट अ फन, जिस प्रॉब्लम में मुझे डाला गया ये तो मजाक है, एक गेम हो रही है, सो द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग दैट वे तो फिर क्या होता है, योर ड्राइव एंड डिजायर टू कम विद द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम इज डेड, इट गोज अवे, इजंट इट, so we have to come a long way out of that, we have to grow bigger and consider the problems as the problems, and we also have to develop our faith that there are solutions available to almost all the problems. Allah Quran mein kehta hai that verily O people, O my people, beshak hai mere bando, there are signs between the heavens and the earth, आसमानों और जमीन के दरमियान निशानियां हैं, बट ओनली फॉर दोज, लेकिन सिर्फ उनके लिए हु थिंक, जो सोचते हैं, एंड हु सीक, और जो तलाश करते हैं।